हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक से आपको आंसर देने वाला हूँ। तो दोस्तों, किसी किसी को जिस जिस को भी आपको इस जितने भी क्वेश्चन के आंसर मालूम है वो कमेंट कीजिए, और मेरे नए चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है नंबर एनालॉजी का, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, अगर हम 4 को -1 करेंगे तो आएगा 3, ठीक है दोस्तों। और ये 3 अगर ये 4 से अगर इंटू कर देते हैं तो मेरा 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। वैसे आप 5 को भी ले लीजिए, यहाँ -1 लिए हैं तो यहाँ -1 ले लीजिए, और कितना आएगा 4। यहाँ जैसे आपने इंटू किए 4 से, यहाँ पे 5 को इंटू कर दीजिए, मेरा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 ऑप्शन डी में भी है, देखिए है, तो मतलब यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि आप लोगों को कैसे आया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमेशा एनालॉजी में आपका इस टाइप का था, ठीक है। तो हम अगर 8 को अगर हम 3 से इंटू करते हैं तो मेरा आ जाएगा 24, और यहाँ पर तो 24 है नहीं, 28 है, तो +4 कर देते हैं तो मेरा जाएगा 28, ठीक है। और वैसे आपको 27 का भी लेना है, यहाँ 3 से इंटू किए हैं, सिंपली यहाँ 3 से इंटू कीजिए, कितना आएगा 81 आ जाएगा। यहाँ +4 किए हैं तो यहाँ +4 ले लीजिए, आपका कितना आएगा 85। देखिए 85 कौन से ऑप्शन में है, देखिए बी नंबर में 85, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 85 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर, ठीक है दोस्तों। इसमें भी सिंपली आपका इसी टाइप का आते हैं, ठीक है। आपको इसी टाइप का देखना है नंबर एनालॉजी में कि कौन से अंक किससे, मतलब इंटू करिए, ऐड करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम अगर 215 को अगर हम ये अलग कर दें, इंटू कर दें, अलग करके इंटू कर देते हैं, ठीक है। 2 × 1 × 5 तो मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सिंपली यहाँ 10 है। तो देखते हैं 35 भी ओसे आते हैं कि नहीं, ठीक है। 35 को ले लीजिए आप, ये दोनों को भी अलग कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा मेरा 15 आएगा, और देखिए 15 ऑप्शन में बी नंबर में, तो मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, तो यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। सिंपली वैसे ही करना आप लोगों को देखना है क्वेश्चन में। तो अगर हम देखिए 6 को अगर क्यूब कर देते, 6 का क्यूब कर देते हैं तो कितना आएगा 216 आएगा। अरे ये 6 को फिर से प्लस कर देते हैं तो मेरा आ जाएगा 222, जो कि यहाँ है। वैसे सिंपली 7 का भी देखते हैं, हम 7 का क्यूब कर देते हैं, कितना है 7 का क्यूब 343, ठीक है। और यहाँ जैसे 6 को प्लस किए तो यहाँ 7 का भी प्लस कर दीजिए, ठीक है, कितना आएगा 350 आ जाएगा। 350 ऑप्शन में एक भी नहीं दिया होगा, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया, तो मतलब ये नॉट हो जाएगा, ठीक है, ये NOT नॉट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपको एनालॉजी का दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए, अगर हम 42 को, ठीक है दोस्तों, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा 21, लेकिन 21 तो यहाँ नहीं है, यहाँ है 20 दिया हुआ, तो -1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा मेरा, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो पहुँचिए हम 64 को भी ले लेते हैं, 64 को दोस्तों अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है। और यहाँ -1 लिए तो यहाँ -1 ले लीजिए, कितना आएगा 31 हो जाएगी पहला नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ हो जाएगा 31। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल कैसे आया है क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से क्वेश्चन को ना तो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एकदम बिल्कुल आंसर आ सकता है। देखिए कुछ करना नहीं, 1 से अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो मेरा 6 आ जाएगा, 6 का अगर स्कोर कर देंगे तो मेरा 36 आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। 2 को क्या करेंगे, यहाँ +5 लिए हैं तो यहाँ भी ले लीजिए, मेरा आएगा 7। यहाँ स्क्वायर लिए तो यहाँ स्क्वायर ले लीजिए, आ जाएगा 49, और 49 ऑप्शन बी में, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ हो जाएगा 49। समझ में आ गया दोस्तों। दोस्तों मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़
वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा मैं दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।